हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है शॉर्ट कुर्ती हॉल फ्रॉम अमेजोन अंडर ₹500। यस गाइज, अंडर ₹500 में मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ समर एप्रोप्रिएट शॉर्ट कुर्ती, जो कि प्योर कॉटन बेस्ड है। सब कुछ मैं रिव्यू करने वाली हूँ, ट्राई ऑन भी करने वाली हूँ, और आप लोग डिसाइड करोगे कि क्या उसे मुझे रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। ऑल्सो, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी यूज़ हो जाए थोड़ा बहुत। एंड इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, आई हैड दिस 5 कुर्तीज़ इन माई हैंड और मैं वन बाई वन करके इनका रिव्यू करने वाली हूँ, और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं स्क्रीन पे भी ट्राई करूँगी कि डाल दूँगी सबका प्राइस एटलीस्ट। सो सारी सारे कुर्ती गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपनी पहली कुर्ती की, जो कि है ये ब्लू कलर की, नेवी ब्लू कलर की है ये कुर्ती, और बहुत ही सुंदर कुर्ती है। यू कैन सी, आप इसको देख सकते हो, बटन डाउन शर्ट काइंड ऑफ कुर्ती है, शॉर्ट कुर्ती। इसको आप जीन्स के साथ पेयर कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगी। और ये है फ्रॉम द ब्रांड ओम साई लेटेस्ट क्रिएशन। ओम साई लेटेस्ट क्रिएशन ही आपको अमेजन पे मिल जाएगा। मैंने सारे ही अमेजोन से ही परचेज किए हैं। मीडियम साइज़ में है, यू कैन सी यहाँ पे ये लिखा हुआ है। एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस प्राइस पॉइंट पे मुझे इससे बेटर कुर्ती नहीं मिलेगी। हाँ, धुलने के बाद इसका क्या हाल होगा वो मैं बाद में ही बता सकूँगी, क्योंकि अभी मैंने इसको एक भी बार धुला नहीं है। इसमें प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो, इस तरीके का एक गोल्डन में एक वाइट में ये प्रिंट हो रखा है। और सबसे जो बेस्ट पार्ट मुझे इसका लगता है, इसका नेक और इसका जो ये क्वार्टर स्लीव है ना, इस स्लीव्स में यहाँ पे मुड़ी हुई सी जो डिज़ाइनिंग दे रखी ना, डिटेलिंग, और इसके बाद ये बटन वाली डिटेलिंग ऐसे मोड़ के दी गई है, जो कि आपको ट्राई ऑन में अच्छे से देखने को मिलेगा। दोनों स्लीव्स पे आपको उस तरीके की डिटेलिंग दे रखी है। एंड साथ ही साथ ये ना नेहरू कॉलर दे रखा है। ये देखिए आप, बहुत ही बेस्ट और स्मार्ट लुक देता है कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए। अगर आप मैरिड भी हो, अगर शॉर्ट कुर्ती पहनते हो, जीन्स के साथ डाल दिया, बहुत बेस्ट लगता है, एक नंबर लगता है। अगर आप एथनिक वेयर ज़्यादा पहनना नहीं पसंद करते हो, लॉन्ग कुर्तीज़ नहीं पहनना पसंद करते हो, अनारकली नहीं पसंद करते हो पहनना, तो आप डेफिनेटली इस तरीके की शॉर्ट कुर्ती अपने वार्डरोब में रख सकते हो। और ये टोटली बटन डाउन है, और इसका ना यहाँ पे जैसे कॉर्नर्स पे, ये देखिए कॉर्नर्स पे भी दोनों साइड पे आपको, दोनों साइड पे है कि एक साइड, हाँ दोनों साइड्स पे भी ये देखो बटन की डिटेलिंग दे रखी है, जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक देता है। अब ये ओपन हो सकता है या नहीं, ओपन नहीं हो सकता, बट बटन की यहाँ पे इस तरीके से डिटेलिंग दे रखी है। कैन सी, इस तरीके से बटन की डिटेलिंग दे रखी है, और ये बेस्ट एग्जाम्पल है अगर आप इस तरीके की ना शॉर्ट कुर्ती सिलवाना चाहते हो। जैसे मैंने इसको दिखा के ना एक अलग से शॉर्ट कुर्ती भी सिलवाई है अपने लिए, तो आप इस तरीके के ना कुर्तीज़ अगर अमेजन से मंगाना चाहते हो, आप मंगवा लो, उसके बाद आप जब बाद में स्टिच करवाना चाहते हो, लाइक स्क्रैच आउटफिट बनाना चाहते हो, तो आप इस तरीके की कुर्तियाँ दिखा के, टेलर से डिज़ाइन दिखा के आप बनवा सकते हो, जो कि मैंने किया है और टेलर ने बनाया भी है। तो इस तरीके की कुर्तियाँ आपके पास होती ना, तो आपके पास एक एग्जाम्पल हो जाता है कि हाँ मुझे कैसी कुर्ती चाहिए, तो आप उस तरीके से बनवा भी सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक्स वगैरह पड़े हो तो। और अगर मैं बात करूँ इस कुर्ती की, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक नंबर है, ब्रीदेबल फैब्रिक है, समर एप्रोप्रिएट है। कितनी तारीफ करूँ मैं, मुझे कम ही लग रहा है इस प्राइस पॉइंट में, यार कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। एंड अब हम लोग चल के देखते हैं कि इसका ट्राई ऑन मुझ पर कैसा लग रहा है, और आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओगे कि क्या मैं इस कुर्ती को रखूँ या फिर ना रखूँ। ओके, सो ट्राई करने के बाद ये कुर्ती कुछ इस तरीके से लग रही है मेरे ऊपर, पूरी बटन डाउन यू नो कुर्ती है, एंड नेहरू कॉलर है इसका, यहाँ से रोल करके स्लीव्स हैं, थ्री क्वार्टर स्लीव है, एंड ये कुछ इस तरीके से प्रिंट दिखता है ब्लू जीन्स के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, आप चाहो तो वाइट जीन्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो। एंड डेफिनेटली आप इसको ऑफिस वेयर और कॉलेज वेयर के साथ तरीके से यूज़ कर सकते हो, कैजुअल वेयर में भी आप यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली। एंड अभी आपको बताना है कि क्या मैं इस कुर्ती को रखूँ या फिर ना रखूँ। एंड यस, अब आते हैं अपनी सेकेंड कुर्ती की तरफ, जो कि मेरी ज़्यादा फेवरेट नहीं है, आई डोंट नो वाई। इसका लुक मुझ पर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसका फिटिंग मतलब मुझ पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मेरे ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेट फिट जो कुर्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा
अच्छी लगती हैं। तो ये शॉर्ट कुर्ती में भी अनारकली वाली शॉर्ट कुर्ती जैसे होती है ना, अंगरखा स्टाइल, अंगरखा तो नहीं बोलेंगे इसको, बट शॉर्ट कुर्ती है इसकी। जो इसका जो नेक है वो वी नेक है, और यहाँ पे इस तरीके से एक डिटेलिंग दे रखी है स्ट्रिंग्स वाली, इस तरीके से आप बांध सकते हो। तो वी नेक की है ये, और इसका जो ना स्लीव्स है वो वही थ्री फोर स्लीव है, और ये ओवरऑल इसमें ना फॉइल प्रिंट दे रखा है। जब मैंने इसको ऑर्डर किया था अमेजोन पे, तो ये अलग से ही मतलब प्रिंट इसका बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बहुत सुंदर आएगी ये, बट जब इसका मटेरियल मतलब मुझे उतना खास नहीं लगा। ऐसा लोग कहते हैं कि ये जो फॉइल प्रिंट है ना, ये बहुत जल्दी उड़ जाएगा, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये ब्लैक पड़ जाएगा। तो इसको धुलने के बाद ही पता चलेगा, या फिर ये थोड़ा बहुत पानी के टच में आएगा तो शायद ऑक्सीडाइज हो सकता है, ऐसा लोग कहते हैं। और नीचे ना यहाँ पे इस तरीके से पूरी फ्रिल दी हुई है। अब इसको, इस शॉर्ट कुर्ती को क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, मैं इसको अनारकली शॉर्ट कुर्ती कहती हूँ, क्योंकि ये ना एकदम घेर टाइप का लगता है। तो कभी कभी मतलब आई डोंट नो, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इसको मैं स्टाइल कैसे करूँ। पेपलम कुर्ती, हाँ पेपलम कुर्ती बोल सकते हैं इसको, बट मुझे इसको समझ नहीं आता कि मैं इसको स्टाइल कैसे करूँ। क्योंकि अगर मैं इसको जीन्स के साथ स्टाइल करती हूँ, मतलब स्किनी जीन्स के साथ स्टाइल करती हूँ, तो ये बहुत आई डोंट नो, बहुत अजीब सा लगता है मेरे ऊपर। मेरे बॉडी टाइप को ये सूट नहीं करता है। और ये ब्रांड है फ्रॉम SBRI यॉर्क, स्प्रीर, और पता नहीं कौन सा ब्रांड है यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। SBRIYORK ये ब्रांड है, और एम साइज इसमें भी है। ओवरऑल अगर आप लोग को ये पसंद आती है, इसकी क्वालिटी मटेरियल मतलब ओके ओके है, मैं इतना नहीं कहूँगी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बट इस प्राइस पॉइंट में आपको और भी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ मिल जाएंगी अमेजन से, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो। बट मेरे लिए ये मतलब उतना अच्छा नहीं है, तो मैं इसको आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगी। बट इन केस अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। इसका ट्राई ऑन भी मैं करके दिखा देती हूँ, और आप लोग मुझे देख के बताना कि क्या मैं इसको रखूँ या फिर ना। सो गाइज, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये वाली कुर्ती मुझे फिट वाइज उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं आती है। अभी शायद कैमरे में आपको ज़्यादा अच्छी लग रही हो, बट वैसे ये ना पूरी लूज फिटिंग आती है, तो इससे मैं समझ नहीं आता कि ये मैं पैंट्स के साथ पहनूँ या लेगिंग्स के साथ या जीन्स के साथ, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो भी शॉर्ट है, तो लेगिंग्स के साथ अच्छी नहीं लगती है। ओवरऑल मैंने इसको इस तरीके से स्टाइल किया है। अब मुझे कमेंट करके बताओ मैं इसको रखूँ या फिर ना रखूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट कुर्ती की तरफ। उसका कलर भी अगेन ब्लू था। अब इसका क्या, इसकी भी एक स्टोरी है गाइस, क्योंकि मैंने इसको आई थिंक ग्रे कलर में मैंने इसको ऑर्डर किया था, क्योंकि एक ब्लू कुर्ती हो चुकी थी जब मैं ऑर्डर करी थी। सब कुछ एक साथ ही ऑर्डर करी थी, 5 कुर्तीज़, क्योंकि शॉर्ट कुर्तीज़ मुझे चाहिए थी पहनने के लिए। मेरा जो समर्स आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि शॉर्ट कुर्तीज़ आ जाए तो जीन्स के साथ डाल लो, एकदम अच्छे लगते हैं कहीं जाना वाना हो तो। तो मैंने एक ग्रे कलर की ऑर्डर की थी, बट ये आई मुझे ये ब्लू कलर में। मे बी उस ब्रांड के पास ख़त्म हो गया हो, तो उन्होंने मुझे ब्लू कलर की ये कुर्ती सेंड कर दी। तो जब मैंने इसको देखा तो मुझे ये कलर भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने रख लिया। क्योंकि ये ना थोड़ा सा, कौन सा ब्लू है ये, इंक ब्लू, आई डोंट नो, मैं कलर में बहुत खराब हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन सा कलर है, वॉयलेट ब्लू या इंक ब्लू जो भी कहते हैं, बट ये बहुत लाइट सा ब्लू जो होता है ना, वो वाला कलर है। और ये बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद ना, ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिले हैं। जब भी मैं पहनती हूँ ना इसको, पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलता है। एकदम इसका लेंथ इतना अच्छा है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जीन्स के साथ एकदम परफेक्ट लगता है। एंड इसको आप डेफिनेटली डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अभी मैं इसकी ब्रांड की बात करूँ तो ये MYX, जो कि अमेजन पे आपको आराम से MYX फ्यूजन वेयर ब्रांड आपको आराम से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और इसमें जो ये डिज़ाइन है ये प्रिंट नहीं है, ये मतलब बाहर से जो प्रिंट होता है वो वाला नहीं है, ये अंदर ही कपड़े के अंदर ही जो प्रिंट होता है वैसा सा है। और ये वाला ना प्रिंट बहुत सुंदर लगता है, ये साड़ियों में भी मैंने ये वाला डिज़ाइन देखा है कई जगह। और ये ना, ये भी अगेन जो मैंने पहले ब्लू वाला डिज़ाइन बताया था, एकदम सेम टू सेम उसी डिज़ाइन का है, बट ब्लू वाला जो था वो पूरा बटन डाउन है, बट इसका जो बटन है ये यहाँ तक ही। और इसका जो नेक है ना वो भी नेहरू कॉलर ही है यहाँ से, और ये पहने पे बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इसका कलर, इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला कॉटन जो होता है वो समर अप्रोप्रिएट है। डेफिनेटली डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। इसका प्राइस सब कुछ मैं दे दूंगी,
और तो कुछ इसका बचा नहीं है, इसका लेंथ शॉर्ट है। अब चलो ट्राई ऑन में देखते हैं कि ये कैसा लगता है मेरे ऊपर, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या इसे मुझे रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। सो गाइस, पहनने के बाद इस कुर्ती का लुक तो एक नंबर ही लगता है। इसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड फॉर यू नो ऑफिस में भी आप इसको वेयर कर सकते हो, जिस दिन भी आपका एथनिक डे हो। इवन आप इसको यू नो ऑफिशियल आउटफिट की तरफ भी पेयर कर सकते हो, एंड एक आप मस्त सा अपना बैग ले लो एंड यू आर गुड टू गो। अब मुझे कमेंट करके बताओ मैं इसको रखूँ या फिर ना रखूँ। सो गाइस, जो नेक्स्ट कुर्ती की बात हम लोग करने वाले हैं वो वन ऑफ द बेस्ट कुर्ती आई हैव एवर परचेज्ड गाइस। ये अगेन निक्स ब्रांड से, ये मिक्स सॉरी एन अभी तक मैं प्रोनाउंसिएट कर रही थी, MYX ब्रांड से है। मिक्स मॉडर्न ट्रेडिशंस लिखा है उसमें, कुछ और लिखा हुआ था, तो ये भी अगेन मिक्स ब्रांड का ही है। और सो गाइस, सबसे बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज इसका कलर। इसका कलर बहुत ही अच्छा है, सोफिस्टिकेटेड सा कलर है। ये ब्लैक एंड ऑफ वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। इसमें इस तरीके की पूरी डिज़ाइन दे रखी है, साइड से यहाँ पे ये तरीके की दो डिटेलिंग दे रखी है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये वाली डिटेलिंग बहुत सुंदर लगती है। अगेन ये वाली नेहरू कॉलर है और बटन डाउन है, बट ये हाफ बटन डाउन मैं इसको बोल सकती हूँ, पूरा फुल बटन डाउन नहीं है। इसकी स्लीव्स यहाँ तक की है, 3/4 स्लीव है, नेहरू कॉलर है, कलर बहुत अच्छा है, कॉटन मटेरियल है, समर अप्रोप्रिएट ब्रीदेबल फैब्रिक है। डेफिनेटली डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो अमेजन से, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्राइस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेकआउट कर लेना। अभी मैं आपको ट्राई ऑन करके दिखाती हूँ कि ये मेरे ऊपर कैसी लगती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या इसे मुझे रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। सो गाइस, ये वाली कुर्ती पहनने के बाद कुछ इस तरीके से लग रही है, और इसमें जो प्रिंट दिया गया है ना वो ऑफ वाइट में है, जो इसको और भी ज़्यादा सुंदर और सोफिस्टिकेटेड बनाता है। इस प्राइस रेंज में ना इससे अच्छी कुर्ती मैं आपको कहीं भी रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ। डेफिनेटली डेफिनेटली इसका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा यू नो ब्रेदेबल फैब्रिक, जो कि समर अप्रोप्रिएट है, आप इसको डेफिनेटली डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ कुर्ती आ गई है गाइस। तो फिफ्थ कुर्ती इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, वो पिंक कलर की कुर्ती है, एंड इसकी ना डिज़ाइन एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा हो, बट इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। प्लस इसमें जो स्ट्राइप डिटेलिंग्स दे रखी है वो भी बहुत सुंदर लग रही है। इसका जो क्या कहते हैं, ये भी देखो ओम साइन लेटेस्ट, ये भी कलेक्शन से है इसका, और जो मरून वाला जो मैंने दिखाया था आपको, ये वाला उसका, वो सेम ही ब्रांड के हैं। और इसका मटेरियल डिफरेंट है, ये और भी अच्छा वाला कॉटन जैसे होता नहीं, खादी वाला कॉटन वैसा सा मुझे फील होता है इसको देखने के बाद। और इसकी स्लीव्स जो है वो बलून टाइप की है। सबसे इसका जो ड्रॉबैक है वो इसका बलून ना बहुत टाइट टाइट सा लगता है, तो थोड़ी देर पहनने के बाद ये थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है, बट ओवरऑल लुक वाइज ये बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ से देखिए, ये वी नेक है ऊपर से, और ये जो डिज़ाइन है ना ये इस तरीके की दे रखी है, नीचे से फ्रिल है पेपलम टॉप के तरीके से। एंड ओवरऑल इसका लुक मुझे बहुत ही सुंदर लगता है पहनने के बाद। और इसको भी आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, इसको जीन्स के साथ, शॉर्ट्स के साथ आप कभी भी कैसे भी पेयर कर सकते हो। और इसको भी मैं ट्राई ऑन करके दिखाती हूँ, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी ये वाली कुर्ती। सो गाइस, पहनने के बाद ये वाली कुर्ती बहुत सुंदर लगती है, इसका लेंथ भी मुझे अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू अदर कुर्ती। ये थोड़ी सी लॉन्ग लेंथ में है, बट ओवरऑल ये भी मुझे बहुत सुंदर लगती है। इसका कलर, इसका पैटर्न सब कुछ डिफरेंट है। डेफिनेटली डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो आप लोग। एंड ये ना थोड़ा सा हाइट भी आपको यू नो प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसमें स्ट्राइप्स है ना वर्टिकल, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। ओवरऑल मुझे बहुत सुंदर लगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप आपको मेरा ये कुर्ती हॉल पसंद आया होगा, जो कि ₹500 फ्रॉम अमेजन था। एंड आई होप आपको कोई ना कोई कुर्ती तो पसंद ही आई होगी। कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई ब्लॉग चैनल, अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कर लेना। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।